हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। नमस्कार, मुँ अंजलि। आपण मानक मो चैनल अंजलि किचन्स को मुझे स्वागत जनाऊँगी। आज मुझे पनीर चटपटा रेसीपी आनी चलतु देखा मुमती या पूर्व आपण मैंने मो चैनल को लाइक करदे, सब्सक्राइब करदे, पाखे बेल आइकन बटन को दबाई देते, जहाद्वारा मोर नुआ नुआ वीडियो आपण मैंने देखिपारे। चलतु देखा पनीर चटपटा पाई जो सब सामग्री दरकार देखनी। एटी मु गोटे चम्मच जीरा नहीं जी। गोटे चम्मच जीरा नहीं जी। अदा रसुण पेस्ट गोटे चम्मच नहीं। किछि धनिया पत्र काटिकी रखी। गोटे रेड कैप्सिकम को काटिकी नहीं ची बड़ बड़ खंड रे। गोटे ग्रीन कैप्सिकम को मध्य काटिकी नहीं ची बड़ बड़ खंड करिकी ए साइज रे। चारु पांचटा कंचा लंका को मझीरु एंती काटी नहीं की रखी ची। दुईटा टमाटो को मु बाटी नहीं जाई ची, प्यूरी बनाई दे ची। एठी मु 300 ग्राम पनीर को ए भली भाव रे बड़ बड़ खंड साइज रे मु काटिकी नहीं ची। स्वाद अनुसार लुण पानी और तेल। एठी मु दुईटा पियाज को एंती छोट छोट काटि नै छी। आउ दुईटा पियाज को एंती बड़ बड़ स्लाइस करनी छी, काटि नै छी खंडर करकी। एठी मु फ्रेश क्रीम 2 चम्मच नै छी। आपण को पाखे जदि फ्रेश क्रीम नै आपण खीर सर को भी एंती नै परिवे। चलंतु एथरो कढ़ाई बसेबा, गैस ऑन करिबा। एठी मु 4-5 चम्मच रिफाइन तेल देली। यदि आपण चाहिबे बटर रे भी तयारी करि परिबे। मु एटी रिफाइन तेल नेची, तेल ताती गला। एथर आमे 1/2 चम्मच जीरा पकेबा। जीरा टिके फुटी गले भलो बाबरे एथर पियाज खंड सब पके नबा, छोटो कटा पियाज सब पके नबा। पियाज को तेल रे भलो बाबरे भाजी नबा। देखंतु केमती भाजुच ये पिज को आहुरी पूरा रेड है जाए टे पिजटा को भाजवाक पड़े। एथर देखो पिज भाजी आसला। एथर आम ये 1/2 टेबल स्पून मु अदा रसुण पेस्ट देली। अदा रसुण पेस्ट को भी भल भाव तेल एमती भाजी नवा। एथर ये 1/2 चमच गुंड मु हल्दी गुंड देली। राग लंका गुंड 1/2 चमच आउ काश्मीर लंका गुंड 1/2 चमच। ये सब कुछ भी तेल एमती भल भाव भाजी नवा मसला गुड़ी को। हलदी गुंड लंका गुंड टे भाजी गले आम ये ए धनिया गुंड मुझे गोटे चमच नहीं पकईद। मुठी किचन किंग मसाला 1.5 चमच नहीं मन रखु। किचन किंग मसाला 1.5 चमच नहीं मसल पकईने आई मसला को भी आम भल भाव भाजी नेबा तेल रे। देखो मु केमती भाजी नेले नी। एथर टमाटो प्यूरी को पकाई देबा मसला रे पकाई देबा सब। ताकु भी भलो भाबरे तेल रे आमे भाजी नेबा। मसला सब को गोळे नेबा। लूण स्वाद अनुसार दे देबा। मु एठी 1/2 चम्मच रु टिके अधिका लूण देछि। देखंतु पानी जमा देवानी। टमाटो रु जहाँ आमर पानी बाहर से अनुसार से सीझी भल भाव मसला भाजी। एथर कभर करके 3-4 मिनट जाए भाजी नवा। देखु 3-4 मिनट पर मसलू तेल बाहरी आसला अलग आई आसला। आउ टे आम भाजी नवा मझे मझे एम भाजी नौवा ना तले लगिज। एथर पुणी कभर करदे 3-4 मिनिट पर पुणी कभर खोलिक देखा मसला ये आमर पूरा तेल अलग हो गला। मसला तेल सब अलग हो गला। मसला भल भाव भी कषि हो गला। एथर आम गरम मसला गुंड ये पकईद। गरम मसला गुंड को भी भल भाव मसलार गोलद गोल आए भाजी नवा। गोटे 2 मिनिट पर एथर कैप्सिकम पकईद। ये मुझे ग्रीन कैप्सिकम आउ रेड कैप्सिकम को पकई नेली। से सब कु भी भल भाव एमती गोलद मसल कंचा लंका कटा कंचा लंका भी पकईद। मसलार भल भाव देखु गोल भाजने
ଏଥର ପିଆଜ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ପିଆଜ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ସବୁ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଙ୍କୁ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ପାଣି ଜମା ଦେବାନି, ଏଥର କଭର କରିକି 3-4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଭର ଖୋଲିକି ଏଥର ପୁଣି ଆଉଥରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ନରମ ହେଇ ଆସିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଥର ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ପାଣି ଅଳ୍ପ 4-5 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ଦେଇଛି, ପାଣି ବେଶୀ ଦେବାନି। ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି 1/2 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଘିଅ ନାହିଁ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ବଟର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଶୀ ଘିଅ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆମର ପୁରା ସିଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚି ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଏଠି ମୁଁ କ୍ରିମ୍ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବି, ଫ୍ରେସ୍ କ୍ରିମ୍। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ସର ବି ଗୋଳେଇକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଯଦି କ୍ଷୀର ସର ବି ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେନି ତାହେଲେ କିଛି ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଘୋଡ଼େଇଦେବା, 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି କଭର କାଢ଼ିକି ଦେଖିନେବା, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିନେବା। ମସଲା ସବୁ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ପନିର ଖଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇ ନେବା। ପନିର ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି କାଟିଥିବେ। ପନିରକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥର ଘୋଡ଼େଇଦେବା, 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ପନିରକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ବି ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆମର ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ପନିର ବି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶିକି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଥର ଏଇଠି ଆମର ପନିର ଚଟପଟା ବନାଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ଏଠି ଚିନି ପକାଇବା। ରାଗ ଖଟା ମିଠାର ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ରହିବା ଦରକାର, ଚଟପଟା ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଚିନି 1/2 ଚାମଚ ପକାଇଲେ ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା। ଏଥର ଗୋଳେଇ ନେବା, ଏଥର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ପନିର ଚଟପଟା। ଏଥର ମୁଁ ଏମିତି କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିକି ସଜାଇ ନେଇଛି, ଉପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଥର ପନିର ଚଟପଟା। ଏଇ ଚଟପଟା ପନିର ଚଟପଟାକୁ ଆପଣ ରୁଟି ପରଟା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।